नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। करीब 93 साल पहले इस्लाम के प्रचार के लिए भारत के देवबंद में बना गया तबलीगी जमात एशिया में इस वायरस के प्रसार का बड़ा सबब बन गया है। दुनिया भर में करीब 15 करोड़ सदस्यों वाले तबलीगी जमात के इस जमा से भारत नहीं पूरे एशिया में हड़कंप मच गया है। आलम यह है कि इस जमात की गलती की सजा अब मलेशिया, पाकिस्तान समेत एशिया के कई देश भुगत रहे हैं। पाकिस्तान के लाहौर में 12 मार्च को इस संकट के बीच दुनिया के 80 देशों के 2.5 लाख लोग तबलीगी जमात के आयोजन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। आयोजन स्थल पर इतनी भीड़ जुटी कि लोगों को खुले में जमीन पर सोना पड़ा। इस बैठक में 10,000 मौलाना भी हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस बीमारी को देखते हुए पाकिस्तानी अधिकारियों ने तबलीगी जमात के धर्मगुरुओं से यह बैठक कैंसिल करने की अपील की थी, लेकिन जमात ने उनकी अपील नहीं मानी। इसका नतीजा यह हुआ कि तबलीगी जमात की यह बैठक पाकिस्तान में इस वायरस के प्रसार का बहुत बड़ा जरिया बन गई। पाकिस्तान में तबलीगी जमात के 27 सदस्यों में इस वायरस की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि यह संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इस वायरस के बहुत तेजी से फैलने के पीछे भी यही जमात जिम्मेदार है। पाकिस्तान में कुल 1936 लोग इस वायरस से प्रभावित है और 23 लोग हुरा की खोज में निकल भागे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित पंजाब प्रांत है, जहां पर यह तबलीगी जमा हुआ था। पंजाब में इस वायरस के 651 मामले सामने आए हैं। दरअसल ऐसा संदेह था कि राइविंड रोड स्थित तबलीगी मरकज और विभिन्न मस्जिदों से यह वायरस जगह जगह फैला है। इसके बाद ही स्थानीय प्रशासन ने तबलीगी के कई प्रचारकों को हिरासत में लेकर क्वारंटीन किया था। 5 दिन तक चले सम्मेलन में 500 विदेशी भी शामिल थे। फरवरी में तबलीगी जमात ने प्रचार के लिए 11 ग्रुप गठित किए थे, जो कि कसूर, चुनियान और पटोकी में प्रचार करने पहुंचे थे। उधर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के स्थानीय प्रेसिडेंट डॉक्टर ताहिर शाहीन का कहना है कि प्रचारकों की क्वारंटीन सेंटर में निगरानी की जा रही है। तबलीगी जमात की इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए 2 लोग फिलिस्तीन से लाहौर पहुंचे थे। ये दोनों लोग इस वायरस से संक्रमित हो गए। जब ये लोग वापस अपने घर फिलिस्तीन पहुंचे तो वहां भी ये वायरस पहुंच गया। आयोजन में हिस्सा लेने वाले किर्गिस्तान के 2 लोग भी वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। मलेशिया में भी इसी तरह की तबलीगी जमात की एक बैठक हुई थी। अब इस आयोजन में हिस्सा लेने वाले 620 लोग इस वायरस से संक्रमित हो गए हैं। पॉजिटिव पाए गए लोगों में दक्षिण पूर्व एशिया के 15 देशों के नागरिक भी शामिल हैं। भारत में भी तबलीगी जमात की 18 मार्च को एक बैठक से पूरे देश में हड़कंप जैसी स्थिति है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में इस बैठक में हिस्सा लेने वाले 10 लोगों की इस वायरस से मौत हो चुकी है। यह पूरा इलाका ही अब इस वायरस का केंद्र बन गया है। यहाँ पर इस बीमारी के खतरे के बावजूद बिना इजाजत 18 मार्च को धार्मिक कार्यक्रम किया गया, जिसमें 300 विदेशियों के साथ 1900 लोग शामिल हुए। नतीजा 10 मौतें और 300 के संक्रमित होने का खतरा है। निजामुद्दीन की मरकज बिल्डिंग में मौजूद लोगों में से अब तक 24 को संक्रमित पाया गया है। सबसे गंभीर बात यह है कि यह खतरा दिल्ली तक सीमित नहीं है। तेलंगाना, तमिलनाडु से लेकर उत्तराखंड तक यह खतरा फैल चुका है, क्योंकि ये सभी लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आए और गए हैं। इससे पूरे देश में इस वायरस के फैलने का खतरा बढ़ गया है। इतना ही नहीं, बहुत से लोग सऊदी अरब, मलेशिया और इंडोनेशिया से भी आए थे, जहां पर पहले से ही यह वायरस बुरी तरह से फैला हुआ है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में करीब 250 विदेशी मेहमान मौजूद थे। तबलीगी का मतलब होता है अल्लाह की कई बातों का प्रचार करना। दरअसल तबलीगी जमात से जुड़े लोग पारंपरिक इस्लाम को मानते हैं और इसी का प्रचार प्रसार करते हैं। एक दावे के मुताबिक इस जमात के दुनिया भर में 15 करोड़ सदस्य हैं। बताया जाता है कि इस आंदोलन को 1927 में मोहम्मद इलियास अल कांधलवी ने भारत में शुरू किया था। इसकी शुरुआत हरियाणा के नूह जिले के गांव से शुरू हुई थी।